प्रदेश में बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति आप पुलिस की जनता को जागरूक करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार के साइबर ठगी हो रही है उसके कई प्रकार सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और जनता से भी जागरूक होने की अपील कर रही है। देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहे हैं मुझे। अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटोर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा, वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे एक दो हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं, वो लंबे नहीं होते, और उनके फ्रेंड लिस्ट में भी 10-20 लोग दिखेंगे आपको, कोई उनकी ओर से पोस्ट भी नहीं होंगी। ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई और होता है जो एक्सटोर्शनिस्ट है, जो साइबर क्रिमिनल है, तो इसलिए इनसे बचना है। और ऐसे ही हम अचानक से वीडियो कॉल करने लगते हैं, इतनी जल्दी आप कैसे इतने दोस्त बन गए किसी के, कैसे आपने भरोसा कर लिया, जाने पीछे उसके कितने बड़े क्रिमिनल बैठा हो। तो हमें लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है।